वेलकम टू माय चैनल, आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो आज मैं आपसे बात जो करने जा रहा हूँ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, वो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने 2 या 3 महीने में ये ऑब्जर्व करा, 4 महीने में, यानी कि जब से कोरोना की महामारी भारत में शुरू हुई है, तब से ये कह लो पूरी तरह से लॉकडाउन है, और अभी तक एजुकेशन लाइन में पूरी तरह से लॉक है, यानी कि जो इतनी भी एजुकेशन है वो पूरी तरह से बंद है। स्कूल, कॉलेज या प्राइवेट या गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी बंद हैं, यानी कि एजुकेशन का डिपार्टमेंट टोटली बंद है कोरोना की वजह से। और आप जानते हैं कि कोरोना कितनी घातक बीमारी है और कितने लोग इससे मर चुके हैं। भारत में ही लगभग 85,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं जिनकी डेथ हो गई है, और अभी प्रेजेंट की बात करें तो 54 लाख से ज़्यादा केसेस हैं पूरे भारत में, और एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी तरह से बंद है। तो मैं दुख जो जाहिर कर रहा हूँ वो इस बात का बता रहा हूँ आपको, या इस बात का जाहिर कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग ऑनलाइन एजुकेशन लेने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, और यहाँ तक कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही, टीचर काफ़ी टीचरों को ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं है, या मैं ये कहूँगा कि ना वो सीखना चाहते टीचर। और जो सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा जो इसका लाभ है, वो मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा बेनिफिट केवल और केवल स्टूडेंट्स को है, ना कि टीचर को है। अब आप कह सकते हो कि किस तरह से स्टूडेंट को किस तरह से लाभ है। एक स्टूडेंट जो मान लीजिए कुरुक्षेत्र में या कैथल में बैठा हुआ है, वो वहाँ पर बैठ के ही पूरे वर्ल्ड के किसी भी बेस्ट टीचर से एजुकेशन ले सकता है, जो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड टीचर है वहाँ से एजुकेशन ले सकता है वो। और एक जगह बैठ कर ही पूरे वर्ल्ड के जो बेस्ट टीचर हैं, किसी फॉरनर्स में यानी कि विदेश में जो अच्छे टीचर हैं, भारत में बहुत ग्रेटेस्ट टीचर हैं मैं ये कहूँगा, तो वो एक जगह बैठ कर उनसे एजुकेशन ले सकता है। और ऑनलाइन टीचिंग अगर हम बात करें तो काफ़ी सस्ती भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और आने जाने का चक्कर भी ख़त्म, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन वो स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर थोड़ा सा मेहनत करके हम सीख लें कि ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से ली जाती है, तो ऑनलाइन एजुकेशन हमारा जैसे ऑफलाइन एजुकेशन है, जैसे कि हम क्लास में पढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं क्लासरूम में भी, क्लास में बैठे टीचर बोलता है, हम उसे ध्यान से सुनते हैं, और वो बोर्ड पे लिखता है, वाइट बोर्ड पे लिखता है, और बाकी सब लोग देखते हैं कि वो क्या लिख रहा है, क्या कुछ है, और समझते हैं उस चीज़ को। वही काम आजकल नेट पे किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐप हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। और लगभग एक ऐप में, अगर मैं कुछ मेन मेन ऐप्स की बात करूँ, कुछ गूगल मीट एक एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं, उसमें एक समय में हम 250 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि 250 स्टूडेंट्स ऑन द सेम टाइम वी कैन टीच, और उनसे फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं। यानी कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि स्टूडेंट भी अगर चाहे तो वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी टीचर से अच्छी एजुकेशन ले सकता है ऑनलाइन के थ्रू। ऑफलाइन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपको मुंबई पढ़ने जाना पड़े तो आपको वहाँ रहना भी पड़ेगा, वहाँ सारा खर्चा ही पड़ेगा, और प्लस वहाँ जो एजुकेशन लेंगे वो। मैं तो ये कहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और इसकी वजह से काफ़ी लोग बहुत अच्छी एजुकेशन गेट कर सकते हैं, और बहुत कम कॉस्ट में एजुकेशन गेट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसका बेनिफिट है वो स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि विद्यार्थी के लिए है। वो कहीं पर ही पढ़ सकता है, यानी कि अपने घर पर बैठ कर ही बहुत अच्छे अच्छे टीचर से एजुकेशन ले सकता है। और आजकल तो आपको पता ही है, सब लोग नेट का टाइम है, नेट मोबाइल पर हम सारा दिन लगे रहते हैं, बट मोबाइल से कुछ अच्छी चीज़ सीखना नहीं चाहते हैं। तो हमें ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, और मैं भी ये कहूँगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही, प्लस टीचर के लिए भी बहुत अच्छी एजुकेशन है, एजुकेशन भी है वन देन, और टीचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है वो बता रहा हूँ आपको। टीचर एक जगह पर बैठ कर पूरे भारत को, पूरे भारत के बच्चे को पढ़ा सकता है, यानी कि अगर टीचर एक जगह एक क्षेत्र में बैठा हुआ है, मान लीजिए कुरुक्षेत्र में बैठा हुआ है, तो कुरुक्षेत्र से वो कलकत्ता के बच्चों को पढ़ा सकता है, मद्रास के बच्चों को पढ़ा सकता है, बिहार के बच्चों को पढ़ा सकता है। और पेमेंट का भी आपको पता ही है, आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि एक टीचर के लिए पूरा भारत
देश पढ़ सकता है टीचर से ऑनलाइन, यानी कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक टीचर चाहे तो पूरे भारत से एडमिशन कर सकता है अपने पास, और उसका भी बहुत प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर मैं बात करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कुछ सेंटर भी नहीं बनाना अलग से, ऑनलाइन पढ़ाना है बस सिंपल तौर पर। तो दुख मुझे इस बात का हुआ या है इस बात का कि अभी भी काफ़ी लोग ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, ना उन्हें पता है और ना वो सीखना चाहते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आजकल आपको पता ही है यूट्यूब पे बहुत सारा मैटर मिल जाता है, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी यूट्यूब पर ही देख रहे हैं। तो अगर आप बहुत सारे तरीके यूट्यूब पर दे रखे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या अप्लीकेशन हैं, आप जानते ही हैं गूगल मीट है, जूम ऐप है, जियो मीट है, बहुत सारी अप्लीकेशन हैं, उनके थ्रू आसानी से पढ़ाया जा सकता है। और सभी में 100 बच्चों को हम फ्री में पढ़ा सकते हैं, यानी उनको गूगल मीट या जूम वगैरह वालों को 100 स्टूडेंट्स के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी है, यानी उनको पढ़ाया जा सकता है। बट अफसोस कि हमारे टीचर, या मैं ये कहूँ कि कुछ टीचर, सभी की तो बात मैं नहीं करूँगा, कि वो सीखना ही नहीं चाहते हैं कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो मैं ये चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिले और बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि वो एक अच्छे टीचर से, ग्रेट टीचर से आसानी से पढ़ पाएँ एक जगह बैठ कर ही। यानी कि बच्चे काफ़ी, आप जानते ही हैं कि जो गांव के स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, या बड़े बड़े मेट्रो सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए। बट ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द बेस्ट एजुकेशन, वो फ्री में वहाँ की एजुकेशन ले सकते हैं। और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे तो फ्री नहीं है, मुझे ये कहना पड़ेगा, बट कुछ जगह पर डेमो वगैरह फ्री है, तो वहाँ से गेट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मोटी अगर हम बात करें, कि ऑनलाइन एजुकेशन को हमें बढ़ावा देना चाहिए और काफ़ी लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, इसी बात का मुझे दुख है बहुत ज़्यादा। और खासकर शिक्षक और जो विद्यार्थी हैं दोनों के लिए, शिक्षक की भी अर्निंग खत्म हो चुकी है इस समय तक, बट अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दें तो वो पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को जोड़ सकते हैं अपने साथ और एक अच्छी एजुकेशन सबको प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस स्टूडेंट को भी इसका बहुत लाभ होगा, वो बहुत अच्छे टीचर से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सिंपल तौर पे ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसी बात का मैं दुख व्यक्त कर रहा हूँ। और मैं होप करूँगा कि आप सब लोग भी ऑनलाइन एजुकेशन जरूर लेने की कोशिश करें, और बहुत सारी लाइन है, और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर आपको अपनी जान बचानी है, स्कूल कॉलेज अगर सरकार खोल भी दे तब भी क्या कोरोना ख़त्म हो जाएगा? तो नहीं ख़त्म होगा, फिर भी रिस्क तो है स्कूल या कॉलेज जाने में, रिस्क तो डेफिनेटली बना रहेगा जब तक कोरोना का जो प्रॉपर इलाज या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आता तब तक। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ाएं, और प्लस आप बिल्कुल सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर पर ही रहें, और अच्छी एजुकेशन आप घर से ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर जाना आना नहीं पड़ेगा। और विशेषकर उसमें लड़का हो चाहे लड़कियाँ हो, सभी अपने घर पर बैठ कर एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। तो मैं भी यही बात चाहूँगा कि सब लोग अच्छे एजुकेटेड हों, शिक्षित हों, और हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में पीछे ना रहे, वो इस कोरोना काल में भी आगे बढ़े और हमारा देश अधिक से अधिक तरक्की करे। हमें तो अपने देश को भी बढ़ाना है, और शिक्षा का प्रचार प्रसार टीचर भी करें और स्टूडेंट भी करें, प्लस हमें सीखने की लगन जरूर नहीं चाहिए, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। चलिए, तो मेरी बात जो कहने की है वो आप समझ ही गए होंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि तो आने वाले और भी वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग के संबंध में आपको मैं बनाता रहता हूं, तो वो भी देखने के लिए आप सिंपल तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत